हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है जीआईसी 2017 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का कर रहे हैं। इसका पार्ट वन मैंने डाला हुआ है, तो जो है कि 120 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में जीआईसी बायोलॉजी में, और ये जो क्वेश्चंस थे जो है कि इसमें 1/5 जो था माइनस मार्किंग था, और इसका पार्ट जो वन है वो मैंने करा दिया है। तो उसमें जो है हमने 40 क्वेश्चन तक किए थे। आप ये पेपर देख सकते हैं, ये जो पेपर है जूलॉजी का, जीआईसी बायोलॉजी जूलॉजी 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो कर लिया है क्वेश्चन, उसके आगे से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, तो इसमें हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और ये पार्ट टू में जाएगा, ठीक है। आपने पार्ट वन नहीं देखा तो जरूर से जाके देखिए। द एग ऑफ काक्रोच इज कॉल्ड, जो काक्रोच का जो एग होता है वो कैसा होता है? टीलोलेसिथल होता है, स्यूडोलेसिथल होता है, सेंट्रोलेसिथल होता है, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो काकरोच का एग होता है वो जो होता है सेंट्रोलेसिथल होता है। टीलोलेसिथल जो फ्रॉग और बर्ड्स होती हैं उनके एग जो होते हैं वो टीलोलेसिथल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर का। यहाँ पे कह रहा है कि जेनाइटल पैपिला ऑफ फेरेटिमा आर लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट। जो फेरेटिमा होता है, ठीक है, तो फेरेटिमा में जो जेनाइटल पैपिला होते हैं, फेरेटिमा के में जो जेनाइटल पैपिला होते हैं वो उसके बॉडी के वेंट्रल साइड पे होते हैं, और किस सेगमेंट में होते हैं? तो 17th और 18th पे होते हैं, 16th और 17th पे होते हैं, 17th और 20th पे होते हैं, या फिर 17 या 19th पे होते हैं। तो जो जेनाइटल पैपिला होते हैं, फेरिटिमा पोस्टफुमा के वेंट्रल साइड पे, वो जो है कि 17th और 19th में होते हैं, 17th और 19th सेगमेंट में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47। टीनियस सोलियम द महलिस ग्लैंड आर फाउंड अराउंड द, जो टीनियस सोलियम होता है, ठीक है, टीनियस सोलियम को हम टेपवॉर्म या फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं, और इसमें जो है एक विशेषता ये पाई जाती है कि मेलिस ग्लैंड पाया जाता है। और मेलिस ग्लैंड जो है कहाँ पे पाया जाता है? जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, ऊ टाइप या मीडियन वाइटेलाइन। तो यह जो है ऊ टाइप जो होता है, ठीक है, टीनियस सोलियम में जो ऊ टाइप होता है उसके चारों तरफ जो है मेलिस ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इन फेसियोला द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, जो फेसियोला होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें टिक करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोनोसियस होता है, जो फेसियोला होता है मोनोसियस होता है, वन सेट ऑफ कंप्लीट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मीन्स कि जो फेसियोला होता है उसके एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और ये मोनोसियस होता है। दूसरा है कि मोनोसियस होता है, वन सेट ऑफ कंप्लीट मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर फाउंड इन ईच मैच्योर प्रोग्लॉटिड। तीसरा है कंप्राइजेड फ्यू कॉम्पैक्ट गोनाड्स, गोनोडक्ट एंड द क्यूटिकुलराइज्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ए वाला, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 का 49। जो 49 नंबर का क्वेश्चन है वो है, व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज बाइट ए मैन टू सक हिज ब्लड, देन अलोंग विद इट्स सलाइवा इट इन्फेक्ट द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू। तो यहाँ पे है कि जो फीमेल एनोफिलीज होती है, ज़्यादातर मच्छरों में जो है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही जो है रोग, जो भी डिजीज होते हैं उसको जो है स्प्रेड करती है, और जो है एनोफिलीज जब
हेलेना फ्लिज बाइट करती है किसी भी मैन को, तो उसमें वो जो है अपने सलाइवा को इंजेक्ट कर देती है, सलाइवा छोड़ देती है, और उसमें जो है प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट स्टेज होता है वो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वो जो है हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और फिर जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से मलेरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इज डैश इज हाईली पॉइजनस स्नैक, पॉइजनस स्नैक के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे है कोबरा है, ग्रीन स्नैक है, रेटल स्नैक है, वाटर स्नैक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोबरा जो होता है हाईली पॉइजनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिप रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली बाय बर्डिंग टू फॉर्म इन हाइड्रा। तो जो हाइड्रा होता है सिलेंड्रेट का, यह एक एनिमल है हाइड्रा, और यह जो है बर्डिंग के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसके अंदर बर्डिंग के द्वारा होता है, और यह जो है न्यू पॉलिप जो है हाइड्रा का ही नया पॉलिप बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। कार्डियोपैलोरिक स्ट्रैंड इज फाउंड इन, जो कार्डियोपैलोरिक स्ट्रैंड है वो कहाँ पे पाया जाता है, फेरिटिमा पोस्थुमा। यह एनिलिडा का है, पेलिमोन यह क्या है, पेलिमोन जो है अर्थोपोडा का है, और पेरीप्लेनेटा कॉकरोच यह भी अर्थोपोडा का है। यहाँ पे है ऑल द एबव। ठीक है, तो कार्डियोपैलोरिक स्ट्रैंड कहाँ पे पाया जाता है, इसका तो इसके बारे में होगा कि जो कार्डियोपैलोरिक स्ट्रैंड है वो किस में पाया जाता है। तो जो कार्डियोपैलोरिक स्ट्रैंड होता है वो रन करता है एपेक्स ऑफ द हार्ट टू द पैलोरिक स्टमक एंड द टू लेटरल स्ट्रैंड। ठीक है, और यह जो है अर्थोपोडा का जो एनिमल है पेलिमोन इसके अंदर पाया जाता है, जो अर्थोपोडा का एनिमल है पेलिमोन इसके अंदर पाया जाता है। और देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये हाइड्रा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रा बर्डिंग बर्ड्स जो ओरिजिनेट होती है, यह जो है जंक्शन ऑफ द स्टॉक पे ओरिजिनेट होती है एंड गैस्ट्रिक रीजन के, और ये जो है पिंच ऑफ मीन्स की अलग हो जाती है और नए इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को बनाती है। तो ये वाला सही है, और ये भी सही है कि कार्डियोपैलोरिक स्ट्रैंड जो है पेलिमोन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मार्जिन ऑफ माउथ इन मोलस्क इज कॉल्ड एज। जो मोलस्क होते हैं उनके अंदर जो मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ माउथ होता है, उसे हम पेरिस्टोम कहते हैं, उसे पेरिस्टोम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोसेल वान रोसेनहाफ इन द ईयर। तो अमीबा जो है डिस्कवर किया गया था रोसेल वान रोसेनहाफ के द्वारा इन द ईयर 1755 में, और यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 1774 है, और यह डिस्कवर किया गया था 1755 में। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है। द साइंटिफिक नेम फॉर गरैया और हाउस स्पैरो, जो हाउस स्पैरो होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है पैसर डोमेस्टिका इसका नाम होता है। ब्रेड वॉर्म आर प्लेस्ड अंडर द फाइलम, तो ब्रेड वॉर्म को हम पोंगोफोरा के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली फैलिडी इंक्लूड, जो फैमिली होती है फैलिडी उसमें कौन कौन से एनिमल आएंगे इन ऑप्शन में से। तो यहाँ डॉग है, फॉक्सेस है, लायन है, फ्रॉग है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लायन, और यहाँ पे जो हो जाएगा कैट भी इसके अंदर आती है, तो कैट यहाँ पे दिया नहीं है तो हम लायन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, वो स्पीसीज जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसीज, बायो स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, एवोल्यूशनरी स्पीसीज। तो यहाँ पे आंसर होगा एलोपैट्रिक स्पीसीज, जैसे कि एक ही स्पीसीज के मेम्बर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो उन्हें हम एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं, जबकि सिम्पैट्रिक वो होते हैं जो कि सिम्पैट्रिक स्पीसीज वो होते हैं जो कि स्पीसीज तो थोड़े से डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक ही एरिया में रहने की वजह से वो एक जैसे दिखते हैं। बायो स्पीसीज जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और इवोल्यूशनरी स्पीसीज वो होती हैं जो पहले जो है एक ही स्पीसीज होती है इवोल्यूशन में देखा जाए तो, और बाद में हो सकता है डिफरेंट हो सकती है या फिर सेम ही रह सकती है। तब यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे डैश है, ए टेक्सॉन, जो टेक्सॉन होता है इज ए ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स रीऑर्गेनाइज एज ए फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हेरार्की क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सिम्पसन, मायर, लेनियस एंड ब्लैक वाल्डर। तो आंसर हो जाएगा मायर। यहाँ पे ये कह रहा है कि मायर ने, मीन्स कि कौन से साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था अकॉर्डिंग टू मायर। यहाँ पे जो है मायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मायर। मायर ने ऐसा कहा था कि एक जो टैक्सॉन होता है इज ए ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म रीऑर्गेनाइज्ड एज ए फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हेरार्किक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश इन 1940 इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स है। यह जो है टर्म किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हेकल, गैस्पर्ड बुहिन, सर जूलियन हैक्सले या जॉन रे। तो सर जूलियन हैक्सले जो हैं इनके द्वारा यह टर्म दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोटीन हैविंग द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग एमिनो एसिड एज न्यूट्रिएंट इज, प्रोटीन जो कि हैविंग फंक्शन ऑफ स्टोरिंग एमिनो एसिड, जिसका कि फंक्शन होता है एमिनो एसिड को स्टोर करना एज न्यूट्रिएंट, वो होते हैं वो है केसिन।
आरएनए अपीयर इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जब अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ तो पूरे अर्थ पे जो है कि समुद्र था, ओशियन था, और उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो सबसे सिंपलेस्ट मालिक्यूल जो है वो बने, और उसके बाद जो है उसे कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनते गए। तो यहाँ पे है कि आरएनए जो बना, वो आरएनए जो है बना आफ्टर डीएनए, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि डीएनए के बाद आरएनए बना, या फिर आफ्टर प्रोटीन, प्रोटीन बनने के बाद आरएनए बना, या फिर बिफोर आरएनए एंड बिफोर डीएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आरएनए है वो बना डीएनए और प्रोटीन के बनने से पहले। चौथा है साइमल्टेनियसली विद द डीएनए एंड द प्रोटीन, तो यहाँ आंसर होगा बिफोर डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो ओशियन था जिसमें कि ओरिजिन हुई लाइफ की, उसमें जो है कैसरवेट्स बने, उससे आरएनए बने जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। आरएनए बने कब बने? डीएनए और प्रोटीन के बनने से पहले बने। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज ए रेयर एमिनो एसिड, इसमें से कौन सा एमिनो एसिड जो है वो रेयर एमिनो एसिड है? लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन या एस्पार्टिक एसिड। तो जो लाइसिन है, प्रोलाइसिन या लाइसिन जो है, यह जो है रेयर एमिनो एसिड में आता है, इसको याद ही कर लेंगे तो अच्छा है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर से बताइए कमेंट करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। मैंने जीएससी के और भी क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। धन्यवाद।